हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा इंग्लिश का क्लास है वो बेस्ड है मुंशी प्रेमचंद जी की एक फेमस स्टोरी जो उन्होंने लिखी गई थी एक दुखी नाम के व्यक्ति के लिए। इसका टॉपिक है डेलिवरेंस। इट्स आल्सो बेस्ड ऑन जस्ट कास्ट एंड क्लासेस, दोज हु आर डीलिंग विद unfavorable situations, those who are facing many problems, those who are facing many problems। तो चलिए आज हम देखते हैं एक छोटी सी समरी कि शायद है यदि आप भूल गए हों तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिले आपको रीड करने के लिए। नाउ लेट्स बिगिन स्टार्ट। यस, फर्स्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद इनका जन्म 1880 से 1936 में हुआ। इस वॉज रियल नेम इन द धनपत राय एंड वॉज बॉर्न एट लम्ही एट द स्मॉल विलेज नियर बनारस इन उत्तर प्रदेश। हिज अर्ली एजुकेशन वॉज इन मैड्रास। ही रोट इन बोथ उर्दू एंड हिंदी। सुस्वतन इट्स मीन्स द लीमेंट ऑफ द कंट्री 1908। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन कि जब भी हम किसी भी टॉपिक में बात करेंगे, जो राइटर थे, जो ऑथर थे, जिन्होंने भी कहानियाँ लिखी हुई हैं, हम उनका सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन छोटा सा ज़रूर करेंगे, क्योंकि कभी काफ़ी बार एग्जाम्स में उनका ही इंट्रोडक्शन आ जाता है और उन पे बेस्ड MCQs भी आ जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि आप लोग टॉपिक के लिए यदि प्रिपेयर कर रहे हैं सो फर्स्ट प्रिपेयर इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर। ओके, सो प्रेमचंद वॉज अक्यूज्ड ऑफ द सेडिशन, द ऑल 700 कॉपीज ऑफ द सुस्वतन। और उसमें आप देखा होगा कि 700 कॉपियाँ उनकी उन्हीं के सामने चला दी गई थी। दिस वॉज अ फर्स्ट टाइम, उनका फर्स्ट टाइम था। दिस इज अ लिटरेरी वर्क फॉर एनी इंडियन ऑथर, दे हैड बीन अक्यूज्ड पर सच अ हॉस्टिलिटी। ये उनकी एक कहानी थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसके लिए इन्होंने सदगति दी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। पिक्चर में सदगति के बारे में बताया गया है। यह हम बहुत पहले, सालों पहले DD इंटरनेशनल चैनल में भी एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में कहानी आ चुकी है, लेकिन आज हम एक बार फिर एक छोटे से शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों की छोटा सा स्टडी के लिए हम थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं। नाउ लेट्स की दुखी, द नेम मीन्स सॉरफुल। दुखी जो एक व्यक्ति थी उसका नाम दुखी क्यों था, दुख से भरा हुआ। सच अ नेम आर ऑफन गिवन अ विलेजर्स टू अवर्ट अ एविल आई, अ की द ऑनर द फ्रॉम द मिसफॉर्च। मतलब उसका दुर्भाग्य था कि वो क्या अनटचेबल्स गिना जाता था, लोग उसके साथ अनफेवरेबल ट्रीटमेंट करते थे। मतलब है कि उनके साथ जो व्यवहार किया जाता था वो अच्छा नहीं होता था। तो जिसको हम जानते हैं, जिसको महात्मा गांधी क्या कह के बुलाते थे, अनटचेबल्स मीन्स हरी के जन मीन्स पीपल ऑफ गॉड, और उनको हमने अनटचेबल्स का नाम दिया। दिस इज अ शॉर्ट, और जो कि हम देखते हैं कि ऑलरेडी जो जिनका डेड स्किन, मतलब है कि अगर देखा जाए कि उनको काफ़ी चीज़ों से कि जो चमार होते थे कि उनको बोला जाता था जो एनिमल का स्किन को अलग करते हैं, है ना, तो इस तरीके से इसलिए वो इस तरीके से ट्रीट किए जाते थे। उड़ीसा, आंध्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिलासपुर यदि आप जाते हैं तो यहाँ गोंड आदिवासी पाए जाते हैं, है ना। तो हम इसमें देख सकते हैं कि आपकी छोटी सी जो कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद में सबसे ज़्यादा जिसमें फोकस किया है वो है ट्राइब्स एंड कास्टस, उनके ट्राइब्स ऑफ कास्टस को लेकर। आई होप आप लोगों को छोटा सा स्टोरी है समझ में आएगा। स्टोरी तो ऐसे बहुत बड़ा है, बहुत सारे 25-30 पेजेस का है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप शॉर्ट फॉर्म में समझ जाएँ। और इनके हम चलिए देखते हैं छोटी सी समरी। This is a summary कि मुंशी प्रेमचंद द स्टोरी अब बाय द स्टोरी हैज़ अ बीन ओरिजिनली रिटर्न अंडर द हिंदी टाइटल सदगति, जिसको हिंदी सदगति के नाम से, एंड विच अ लिटरेरी मीन्स अ गुड डेथ, जिसका नाम था गुड डेथ। बट द टाइटल इज क्वाइट आयरोनिक एंड द थॉट द स्टोरी प्रेमचंद has been successful in criticizing and satirizing the Hindu society and the prejudiced norms। उन्होंने हिंदू
सभ्यता के आगे, हिंदू सोसाइटी के आगे इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रश्न रखा, बहुत बड़ी सारी चीज़ों को, कि ये भी एक कहानी है जो कि किसके द्वारा ही देखी जाई है, देखी गई है, हम लोगों के द्वारा ही उन पे ये सारी चीज़ों को किया गया है। तो उन्होंने लोगों का मतलब है कि क्रिटिसाइज़ करते हुए उन्होंने यह क्रिटिसिज्म व्यक्त किया है, उन्होंने लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हुए उन्होंने प्री जुडिकल नॉर्म्स को भी बताया गया है कि सोसाइटी हमारे किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। इसमें मैं जस्ट 2 questions आपके लिए दे रही हूँ, आपके लिए और भी क्वेश्चन यदि आप इसमें और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो कृपया मेरे को मैसेज बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इंस्टेंट पेमेंट चल रहा है, यदि आप जैसे ही आप कमेंट्स करते हैं तो मैं बिल्कुल आपको कुछ क्वेश्चन है और उनको रिवील करके दे सकते हैं और उसके नोट्स भी। यदि आप लोगों को छोटी सी भी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नॉट टेक केयर, बाय बाय।